हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है फिर इन्फोसिस टीम की तरफ से। बता दो फिर इन्फोसिस का यहाँ पर जो है इंटरव्यू रिजल्ट आउट हो चुका है, जो भी रिसेंटली में जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था 28 अप्रैल के आसपास। और यहाँ पर जो आपको बताने वाला हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और यहाँ पर गारंटी सिलेक्शन होने वाला है ITN एंड IIT के नेट्स आफ्टर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। तो वीडियो में आप लोग इन तक बने रहना, काफ़ी कुछ हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले देखते हैं आप लोगों को किस तरह का मेल देखने को आएगा इफ़ यू आर गोइंग टू क्वालिफाइड इन्फोसिस टेक्निकल प्लस HR, क्योंकि दोनों ही इंटरव्यू आपके फ्रेंड सिंगल डे होते हैं। और रिजल्ट फ्रेंड आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इनका जो है 28 अप्रैल को इनका जो है फ्रेंड इंटरव्यू हुआ था, और आप लोग देखोगे फ्रेंड तो 5 मई को आ चुका है। मीन 7 मतलब एक वीक के अंदर में है जो इन्फोसिस के रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुके हैं। चलिए आप देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है आपको मेरे स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा इन्फोसिस का ऑफर लेटर वर्चुअल ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग, और यहाँ पर मेंशन किया हुआ आप लोग जब यहाँ देखोगे फ्रेंड प्लीज फाइंड अटैच द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद योर कंफर्म डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ फॉर द सिस्टम इंजीनियर रोल इन्फोसिस लिमिटेड। तो फिर इनका जो ज्वाइनिंग है फ्रेंड वो ज्वाइनिंग है आपका 9 मई के आसपास इनका ज्वाइनिंग देखने को आया है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो फिर एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ज्वाइनिंग, ओके आवर ऑफर टू योर सिस्टम इंजीनियर इज कंडीशनल अपॉन योर हैविंग फुल कंप्लीटेड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विदाउट एनी एक्टिव बैकलॉग विद सिंपल एवरेज नॉट लेस देन वॉट इज द स्पेसिफाइड वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस। ऑल द परसेंटेज क्राइटेरिया वगैरह आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आप लोग को देखना है तो फिर आप लोग स्क्रीन पर पॉज कर सकते हो, स्क्रीन शॉट वगैरह ले सकते हो, सब कुछ आपके स्क्रीन पर ही जो है मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। शुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन द आवर सिलेक्शन प्रोसेस मोर देन इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ का यहाँ पर जो है उन्होंने क्राइटेरिया को डाल रखा है। मतलब अगर आप लोग 6 महीने के बीच में अगर आप लोग 6 महीने कंप्लीट नहीं हुआ उसके बाद आप लोग फिर से अप्लाई कर चुके हो तो आपको यहाँ पर जो है फ्रेंड आपका ज्वाइनिंग लेटर आपका कैंसिल हो सकता है। तो आप लोग मेक श्योर करना जिसके पास ऑफर लेटर आ रहे हैं आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना कि आपने पिछले 6 महीने में 6 महीने के अंदर आप लोग लाइक अटेंड किए थे या फिर नहीं किए थे। अगर नहीं किए थे 6 महीने के अंदर में तो आप लोग फाइन हो, आप लोग को डरने कोई बात नहीं है। लेकिन जिन लोग 6 महीने के अंदर में किए थे फिर बता दो यहाँ पर इन्फोसिस जो है ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल करती है। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं उनका भी ऑफर लेटर कैंसिल होता है, और बाकी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फिर चलिए आप देख लेते हैं। फिर यहाँ पर आप लोग देखोगे कैन यू प्लीज टेल मी व्हेन वाज योर इंटरव्यू हैपेंड इन इट्स ऑन कैंपस ऑफ कैंपस 28 अप्रैल, और व्हेन वाज योर ज्वाइनिंग 9 मई। तो इनका ज्वाइनिंग जो फिर 9 मई के आसपास इनको देखने को आया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इट विल बी वेरी इजी दे आर आस्किंग बेसिक क्वेश्चन। माई क्वेश्चन आर HDLC, विवेनिकी, स्ट्रिंग, रिवर्स लॉजिक, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज ड्यूरिंग कॉलेज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वाट मेक्स यू एंग्री, डिड यू ओके फॉर वट टाइम, वट डू यू प्रीफर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क लाइक दिस ओनली, इट इज अबाउट 8 to 10 minutes ओनली। इफ यू वॉन्टेड टू आस्क एनी क्वेरी और डाउट यू कैन ऑल्सो आस्क द इंटरव्यू लाइक हाउ इज अ कल्चर इट इन्फोसिस, इफ आई गोट सिलेक्टेड वट आर द नेक्स्ट स्टेप, टेटिंग योर सेल्फ योर एंसर, यू गेट एन इमेज ऑफ योर इंटरव्यू वाट आफ्टर आफ्टर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर आप लोग मेरे से दे सकते हो। इफ़ यू नॉट CSC ब्रांच दे कंक्रीट मोर कंसंट्रेट और मोर ऑन रेज्यूमे एंड प्रोजेक्ट विच ही वी मैंसन इन द रेज्यूमे। इफ़ यू आर बता दो फिर यहाँ पर अगर आप लोग NIT से बिलोंग करते हो तो आप लोग को मैं पहले ही बता चुका होता कि फ्रेंड आप लोग जो है अपना रेज्यूमे वगैरह ही पढ़ना अगर आप लोग NIT से बिलोंग करते हो, क्योंकि आप लोगों से टेक्निकल क्वेश्चन इन्फोसिस टीम नहीं पूछने वाली है। तो मेक श्योर करना हु ऑल आर फ्रॉम NIT बैकग्राउंड एंड वांट्स टू गिव द इन्फोसिस इंटरव्यू, जस्ट प्रिपेयर योर रेज्यूमे, नो डोंट प्रिपेयर एनी टेक्निकल क्वेश्चन, दे विल नॉट आस्क यू एनी टेक्निकल क्वेश्चन, जस्ट प्रिपेयर वॉट एवर यू मैंसन इन योर रेज्यूमे, इट विल 110% बेनिफिट फॉर यू टू क्वालिफाई द इन्फोसिस इंटरव्यू। क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा स्मार्ट बनोगे आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग जितना आप लोग कम उन पे आप लोग ये दिखाओ कि आपको कम मतलब उस फील्ड में आप लोग को नहीं पता है, फिर आप लोग कम बक रहे हो तो आप लोग को सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ फिर जूनियर का इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने अपने रेज्यूमे में दुनिया भर का चीज़ भर चुके थे, उनका आज में रिजेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादा भरोगे आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, कम भरोगे तो कम क्वेश्चन पूछेंगे, तो कम क्वेश्चन में आपके सिलेक्शन के रेशियो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वालों पर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो फिर ये रहा फुल्ली डिटेल्स। तो अभी भी अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो फिर अभी आप जो अभी आना चालू हो गया तो मैं भी आप लोग कुछ दिनों में भी देखने को आ जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरी वन जिसको भी ये देखने को आया है, जिसके पास नहीं आया होप करता तो फिर आप लोग सभी के पास ये बहुत जल्द देखने को आएगा। तो कुछ डाउट है तो कमेंट पूछ सकते हो। मिलते हैं आपको इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।